याद रखना एक बात, देश आजाद होने से पहले आदिवासी कभी भी आपस में नहीं लड़ता था, और इन 75 साल में पूना पैक्ट 1932 की वजह से एक परिवार बाकी नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं है। उस बीमारी को खत्म करना है, उसके लिए आप काम करेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। मेरे भाई जगदीश को नमन करते हुए, इस जाजम को नमन करते हुए, मेरी बहन और हमारे सर आपका बसंती लाल जी, मेरे छोटे भाई, आप सबको मैं क्या कहूं, इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपका ही बेटा हूं, आपका ही भाई हूं। कोशिश करेंगे हम लोग, जितना भी कोशिश करें, मेरी 5 बहनें, आज से मैं अपनी 6 बहनें मानूंगा, मैं बाप की अकेली संतान हूं, लेकिन मैं हजारों भाई वाला हूं, तो आप भी मेरे अपने भाई हैं। आप लोगों के लिए मेरे से जो भी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा, और जो बोलने वाले लोग हैं उनको, उनका मुंह चुप मत होने देना। हमारा समाज आजाद होके रहेगा, हमारी समस्याओं का समाधान होके रहेगा, कुदरत हमें सहयोग करेगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और इस परिवार ने जो संकट झेला है, उस संकट में पियर पक्ष, गांव के भाई, इस इलाके के भाई, आप सदा उनका साथ देना। हमारा जो भी आपस में झगड़ा होगा हम लोग निपटा लेंगे समाज की जाजम पर बैठ करके, लेकिन इस एक मामले के लिए आप लोग उनका सदा साथ में रहेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। इस जाजम को नमन करता हूँ, कुदरत को नमन करता हूँ, हमारे जगदीश भाई मन्नारे को भी नमन करता हूँ। और आज की तारीख में पेन, मैं बताना भूल गया, पेन का मतलब देवतुल्य, जो मर जाता है उसको पेन बोलते हैं, देवतुल्य ऐसा हमारा माना जाता है, उसी को, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, आभार।